तो आज की हमारी क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम बात करेंगे फॉर्मूला की। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि छोटे छोटे फॉर्मूले कैसे अप्लाई करेंगे, या फिर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हाईलाइट, टॉप बॉटम, डेटा बार वगैरह क्या है, राइट। अब चलिए इसी में हम एडिट करते हैं और इसमें और चीजें जानते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हम खत्म करते हैं। सबसे पहले हम बात जानते हैं कि मान लीजिए हमने यहाँ पे नेम ले लिया और एक क्वांटिटी, दोनों को वहां से कॉपी करते हैं और एक नई सीट पे लेके आते हैं। और मान लीजिए एक क्वार्टर नहीं, एक स्कोर है। अब मुझे यहाँ पे करना है कि ग्रेटर देन 60 वाले को पास करना है, 40 to 60 वाले को मुझे करना है रीटेस्ट। जैसे आपके आपके ऑफिस में एक इंटरनल टेस्ट हुआ था तो, और यहां पे आप फेल कर रहे हो, 40 से नीचे लाए वो फेल है, 40 टू 60 के बीच में आया है तो हो सकता है काम का प्रेशर हो, इस कारण से उन्होंने सही से नहीं दिया, उनको एक और मौका और दिया जाना चाहिए, ठीक है। और जो ग्रेटर देन 60 है वो पास है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए हम इफ वगैरह लगाते, प्लीज म्यूट कर लीजिए, इफ वगैरह लगाएंगे। तो यहाँ पे हम इफ वगैरह नहीं लगाना चाहते, हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारा खुद का, यहाँ पे हमारा खुद का मतलब कि कंडीशंस लग जाए, हम फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते। तो हमने इसको सिलेक्ट किया और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमने आइकन को लिया। आइकन में एक ए आइकन है जिसमें ए आपका राइट का निशान है, इट मींस पास, स्पेशल मार्क है मतलब कि रीटेस्ट, क्रॉस जो है वो फेल है, इसको ऐसा मान लेंगे हम। लेकिन यहाँ पे देखिए 40 से नीचे वाला भी आपका फेल नहीं है, वो सब एक स्पेशल मार्क दिखा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें हमने अपनी कंडीशन नहीं दी है, इसमें फिक्स कंडीशन है। तो इसलिए हम यहां मैनेज रूल पे आएंगे, इस पे डबल क्लिक करते हैं और यहां 67 33 है। तो यहां पे परसेंट के जगह पे मैं नंबर लेता हूं, यहां भी नंबर लेता हूं और यहां पे देता हूं 60 नंबर से ऊपर हुआ तो ग्रेटर है और ये 40 ये रहा डाल दिया हमने। तो 40 टू 60 के बीच में आपका एक्सप्रेशन मार्क दिखाएगा, 60 से ऊपर ये आपका राइट का निशान दिखाएगा और क्रॉस का निशान दिखाएगा जब ये 40 से नीचे आएगा, और फिर इसको यहां से ओके कर देते हैं एंड अप्लाई एंड ओके। अब समझने के लिए मैं यहां भी देता हूं 3 2 1 और इसके ऊपर अपना आइकन सेट और आइकन दे देता हूं। लेकिन 1 2 3 दिख रहा है, मैं चाहता हूं 1 2 3 ना दिखे, सिर्फ आइकन दिखे। तो उसके लिए भी आप मैनेज रूल में जा सकते हैं और यहां पे हम परसेंट की जगह पे नंबर नंबर नहीं नहीं ये सब देने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, एक मिनट मुझे इस पे जस्ट यहाँ शो ओनली आइकन पे हम क्लिक करेंगे, ये हमारा अप्लाई करते हैं, सिर्फ आइकन दिखेगा पर नंबर रहेगा बट विजुअल नहीं रहेगा। तो इस तरह की कंडीशनल्स भी हम अप्लाई कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जरिए आइकन्स में। क्लियर है राहुल जी एंड वीर सिंह जी, कोई डाउट इसमें? हाँ सर, यहाँ तक क्लियर है। एक इसमें एक छोटी सी क्वेरी थी कि जैसे मान लो कि हम यहाँ पे नंबर वगैरह चेंज, जैसे हमने क्या करा, पर्सन की जगह नंबर कर दिया, राइट। तो सर ये नंबर ही क्यों करते हैं, फिर परसेंट का ये काम करते हैं? नहीं, कौन सा नंबर की बात कर रहे हैं पे? जब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जब ये दे रहे थे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप जब हम जा रहे थे तो वहां पे हमने कहा कि ग्रेटर देन, समझ गया। आप ये बोल रहे हो कि जब हम आइकन लगा मैं यहाँ पे हमने नंबर क्यों दिया, परसेंटेज क्यों, परसेंटेज लगाओ तीनों पूरे को पूरे हिसाब से परसेंटेज निकालेगा फिर उसको एक स्लैब देगा। परसेंटेज का तो राइट है कि सेल में परसेंटेज डलाओ, सेल में नंबर या परसेंटेज नंबर ही होते हैं। अच्छा,
परसेंटेज मतलब कि वो तो फिर इस परसेंटेज और परसेंटाइल दो चीज कैलकुलेट करेगा, अच्छा, इसके अपना कैलकुलेशन है, और परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद फिर उसको 300 में बांटेगा और उसके हिसाब से कलर करेगा लोअर बॉटम एंड मिडल। तो ये जो परसेंटेज कैलकुलेट करेगा पूरा जितना भी हमने आपने डेटा सेलेक्ट करा है सबका, सबका सबका परसेंटेज से करेगा, कैलकुलेट करेगा जी वो? हाँ सबका करेगा, अच्छा ठीक है। सर ठीक है सर, तो मतलब हमें प्रिफर जो करना चाहिए हमें नंबर को ही प्रिफर करना हाँ चाहिए, तो राइट? क्योंकि नहीं नंबर को इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास खुद का नंबर है ना ग्रेटर देन 67 होना चाहिए, तो नंबर डालेंगे ना राइट, है ना हमारा हाँ क्या? ठीक है, राइट। अच्छा सर एक एक इसी में एक चीज और है, जैसे एक जो कॉलम सी में कोई रैंडम वैल्यू डालिए, जी तो जी जी एक कॉलम बार सी में कोई रिपीट रैंडम करिए, वैल्यू डालिए, कॉलम सी में रैंडम वैल्यू डालिए। कहना क्या चाहते हैं ना मुझे? मैं चाहता क्या हूं कि जैसे मान के देखिए कि जैसे मान लो कॉलम सी, मैं ये चाहता हूं कि अगर मेरी वैल्यू कॉलम सी की वैल्यू अगर कॉलम बी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन हो सी से तो बी में आइकन सेट हो, समझ लो मैं क्या पूछ रहा हूँ। अच्छा अच्छा देखिए ये चीज आप दे रहे हैं ना सर, अब आप ये चाहते हो कि अगर इसमें ज्यादा हो तो इसमें हो, इससे माने हाँ, मैं दो सेल आपके को कंपेयर करना चाहता हूँ। हाँ तो उसके लिए अभी करना पड़ेगा, बताता हूँ क्वार्टर वन क्वार्टर टू से आप ये चाहते हो ना कि 50 यहाँ 60 यहाँ पे, तो ऐसा सिलेक्ट करना हाँ पड़ेगा और फिर इस पे आइकन लगा सकते हो आप। लेकिन यहाँ पे भी एक चीज समझ लो कि अगर आपके पास बहुत सारे नंबर हैं तो सर अब आप इसको इकट्ठा करना चाहते हो तो दिक्कत हो जाएगी, तो आइकन आपका इकट्ठा नहीं, मैं नहीं, मैं इसमें देखो बिल्कुल आपने सही डेटा आपने बनाया है, आई और जे में आपने बिल्कुल सही डेटा बनाया, आपको ऐसे ही रहने दो इसको। मैं चाहता हूँ कि देखो मेरा जे में 60 है राइट, और आई में 40 है, मैं आई की वैल्यू अगर ज्यादा है जे से तो सिर्फ जे आई पे आइकन देखो, और इस पे आइकन नौ आई पे आइकन हो, जे आइकन पे नहीं आइकन लगा ना, मैं सकते आई को जे से कंपेयर कलर कर, वगैरह लगा सकते, आइकन नहीं लगा सकते क्योंकि आइकन पे फॉर्मूला नहीं लगता है। मैं वही ये कर रहा था क्योंकि मैं ये तो इसके लगा लिए लेता हूँ, मुझे मतलब कि वो मैं इसके लिए बताता हूँ आपको कि मुझे इसके लिए इस पे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा और फॉर्मूला की फॉर्मेटिंग आप कलरिंग कर सकते हैं बट आइकन अप्लाई नहीं कर सकते, अच्छा समझ गए ना? आप जो चाह रहे हो वो हम कलर के जरिए कर सकते हैं क्योंकि हम हाँ जो भी कस्टम कंडीशन लगाएंगे वो फॉर्मूला के जरिए लगाएंगे और फॉर्मूला आइकन को सपोर्ट नहीं करता है, अच्छा, समझ गए? क्योंकि अभी मैं जो डैशबोर्ड वगैरह बना मैं जो रिपोर्ट बनाता हूँ तो मुझे ये जरूरत पड़ती है, मैं क्या करता हूँ कि मैं भी मतलब कि फॉर्मूला की जगह कलर कलर कंडीशन लगाता हूँ, मैं सोचा था कि अगर आइकन वगैरह लग जाए इसमें। नहीं सर आइकन में कहीं फॉर्मूला लगाने का जगह ही नहीं है, क्या करेंगे सर? सर मैं एक बार देख रहा था यूट्यूब पे, किसी ने ये करा था, मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा था जब आपका वीडियो देख रहा था तो यूट्यूब पे मुझे दिखा था ये, तो वो मुझे समझ नहीं आया था कैसे करा था, लेकिन उसने मतलब अच्छा उसने आइकन उसने तो आइकन में लगा उसने जस्ट ए लिया होगा, आइकन में ए टॉप बॉटम लिया होगा ना, ट्रैफिक लाइट, अच्छा ट्रैफिक लाइट लिया है, तो हुआ क्या था तो आपको? उसने हाँ ऐसा कुछ नहीं किया है, उसने आप शायद ध्यान नहीं दिए होंगे, उसने क्या किया होगा कि एक के लिए दो सेल लिए होगा, समझ गए? तो यहां पे वो कंडीशन नहीं सर, वो इफ यहां आप देखेंगे नहीं 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 सर, एक मिनट आप ध्यान से देखिए बताता हूँ, आप जो बोले हो मैं पहले देख लेता हूँ, ये सैम्बल होता है, सैम्बल के अंदर में आपके पास ही ट्रैफिक लाइट होता है, अच्छा
कहाँ गया आइकन? नीचे ही था। जैसे इसी को ले लीजिए, इसी में नीचे हो, नीचे। हाँ यहाँ पे, यहाँ यहाँ तो इसने क्या किया, इसने क्या किया, इसमें इसमें इन्वर्ट यहाँ पे कंडीशन दिया इफ का, इक्वल इफ क्या हो रहा है, इफ, और बोल रहा है कि अगर ए ग्रेटर देन किससे, इससे हो तो ये हमारा ट्रैफिक लाइट शो, अदरवाइज यहां पे ब्लैंक। ठीक है, और इसने क्या किया कि यहां से बताता हूं आपको, यहां इसमें पेज लेआउट में जाए और यहां से ग्रिड लाइन को हटा दिया और इसको बहुत छोटा कर दिया, छोटा कर दिया, और इसकी जो इसने कलर लगाई, यहां देखिए इसने जो यहां पे कलर लगाया, कलर ने बॉर्डर लगाया, तो ए बॉर्डर लगा दिया, तो आपको देखने में लग रहा है कि ए एक सेल है। समझे सर, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो चीज, ये जो था ना, मैंने ये करा था और वो जाकर कुछ फॉर्मूला लगा रहा था, नॉट वो कॉलम इंसर्ट नहीं करा था, मैंने देखा तो मुझे समझ नहीं आया था मुझे वो कि करा कैसे, पहले से इंसर्ट कर रखा था, मैंने ट्राई करा, मेरे पहले से इंसर्ट कर रखा हो, सिर्फ फॉर्मेटिंग का यूज नहीं किया होगा सर, उसने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज नहीं किया होगा, समझे? और फिर इसको अपने हिसाब से, फिर जो ये जो मतलब हमने आइकन लगाया है, आइकन को अपने हिसाब से कलर कर सकते हैं, राइट? हाँ, टेक्स्ट कलर कर लीजिए, टेक्स्ट कलर रेड कर दीजिए, रेड सॉरी कीजिएगा तो रेड हो जाएगा, फिर ऑटो, ये ऑटो चेंज होगा क्या कलर? हाँ, ऑटो चेंज इससे होगा, तो कंडीशन फॉर्मेटिंग से ऑटो चेंज होगा, ऑटो कलर कलरिंग चेंज करने का कंडीशन फॉर्मेटिंग लग जाएगा फॉर्मूले। ये चीजें हम लोग 2007 पे इस पे करते थे, 2003 पे करते थे, समझे? ये आज आप देख रहे हैं इसको हम लोग 2004-5 में करते थे यूज, क्योंकि 2003 के अंदर में हमें इस इतना कंडीशन फॉर्मेटिंग में इतना फीचर्स नहीं थे, उसमें आप तीन कलर तो लगा ही सकते थे, उस तीन फॉर्मेटिंग को सिर्फ कलर, तो वहां पे हमने हम लोग इस सब चीजों करने के लिए इसी का इस्तेमाल करते थे। अच्छा, ठीक है, okay. आगे बढ़े आज के सेशन में, आप समझे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अब इसमें बात करते हैं फॉर्मूला, जैसे कि मैं चाहता हूं कि मेरा कलर कहीं भी, और जैसे इसी पे चलते बात करते, इसी पे बात करते, जैसे अभी आपने बोला ना कि मैं सेम चीज मैं यहां से उठा के और मैं यहां पे रख देता हूं, राइट? और इसका कलर मैं ऑटोमेटिक कर देता हूं, क्योंकि मैं कलर करना चाहता हूं किसके अकॉर्डिंग, जी हाँ, कमर्शियल बॉर्डर मिस करता है, उसका तो रहेगा ये, अब मुझे यहां पे करना है इन तीनों का कलर बता, ओके तो मैं चाहता हूं कि इसका नंबर इससे ज्यादा हो तो ए हमारा ग्रीन हो जाए, नहीं तो, राइट? इस पे हम जाते हैं न्यू रूल्स, यूज फॉर्मूला,
फॉर्मूला जो ध्यान रखिए सिलेक्शन सिर्फ एक पे होना चाहिए। यहां पे कंडीशन देते हैं कि ए अगर ग्रेटर देन हुआ सेवन से तो फॉर्मेट सेल में ए हो जाना चाहिए ग्रीन और टू के नीचे का जो डॉलर साइन है वो मैं यहां से हटा देता हूं। बैकग्राउंड कलर हो गया, हमें टेक्स्ट कलर करना था ना, बैकग्राउंड कलर नो फिल, फॉन्ट कलर में हम करते हैं यहां पे ग्रीन। ओके और फिर फॉर्मेट इसमें फॉर्मेट प्रिंटर से हम इसको नीचे तक पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद इसमें एक और कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाएंगे। अब इसमें भी हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और सिंगल सेल सेलेक्ट करेंगे और यहां पे देंगे कि अगर ए चाहे इसमें अगर ए लेस देन सेवन है और इसकी डॉलर साइन को मैं यहां से हटा देता हूं और यहां पे इसकी फिल कलर रेड कर देता हूं। और फॉर्मेट प्रिंटर से नीचे की तरफ पेंट कर। देखिए यहां पर सर यहां दिक्कत ये आ हुआ कि हमने इसमें यहां पे हमने तो कंडीशन लगा रखा था इसका ना, तो होगा ही नहीं, अप्लाई नहीं होगा इसमें तो रेट पर रेट तो होने का चांस ही नहीं है क्योंकि हमें तो हम पहले बोल रखे भाई ये आइकन वही पर लगेगा जो बड़ा होगा, समझे। राइट, तो हम इसी में ये दिखा सकते हैं सर कि जैसे मान लो कि जो कॉलम नंबर आई कॉलम नंबर जे है वहाँ वहाँ पे दिखा सकते हैं ना कि जैसे मान लो कि वो वाला अगर ग्रेटर है तो ग्रीन हो जाए, अगर लोअर हो तो रेड हो जाए, तो 65 को हम यहीं पे भी रेड कर सकते हैं, 65 को रेड कर सकते हैं। हाँ 65 का आइकन मैं बोलूँ कि मैं एक ही जब यहाँ पे फिर इस पे कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाना होगा और हमें न्यू रूल्स देना होगा यहाँ पे, या फिर मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ लेस देन क्या, तो हमने लेस देन दे दिया और यहाँ से टू को हटा दिया और हम बैक कलर ना करके हम यहाँ पे रेड इसमें यहाँ पे रेड कर। नहीं, इस ग्रेटर देन होगा वहां तक के फॉर्मूला में यहाँ पे हम ये देंगे और बोलेंगे कि जो ए नंबर जो है ए नंबर अगर लेस देन इससे हो तो इसकी फॉन्ट कलर रेड हो, ठीक है। और यहाँ पे दोनों का जो डॉलर साइन है दोनों का डॉलर साइन हटा देता हूँ यहाँ से और फिर फॉर्मेट प्रिंटर से नीचे की तरफ मैं इसको, ठीक है। या फिर मैं चाहता हूं कि मैं यहां पे मोबाइल नंबर रखता हूं और मैं चाहता हूं कि मोबाइल नंबर अगर मोबाइल नंबर का जो करेक्टर है वो 10 डिजिट से कम या ज्यादा हुआ तो हाईलाइट हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पे आप लेन का फॉर्मूला लगाते हैं। लेन फॉर्मूला बताता है कि लेन, तो मैं यहां पे जाऊंगा न्यू रूल्स पे यूज फॉर्मूला और यहां पे दूंगा कि लेन
और लेन में मैं इसको सेलेक्ट कर दूंगा और बोलूंगा नॉट इक्वल टू 10। और फिर ऐसा हुआ तो आपका बैकग्राउंड कलर को रेड कर देता हूं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम होगा क्या, अब इसको फॉर्मेट प्रिंटर से पेन करूंगा तो हमारा ब्लैंक एरिया भी कलर हो, क्यों, क्योंकि प्लेन पे ब्लैंक एरिया का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आएगा आपको जीरो, और जीरो भी तो नॉट इक्वल टू 10 होता है। राइट राइट। तो यहां पे हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे कि मुझे यहां पे दो कंडीशन देना होगा, ग्रेटर देन जीरो एंड नॉट इक्वल टू 10। तो दो कंडीशन देना होगा तो हम एंड या और का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पे एंड का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि दोनों कंडीशंस रिक्वायर है कि दोनों होने ही चाहिए, इज ग्रेटर देन जीरो। अब आपका ब्लैंक एरिया हाईलाइट नहीं होगा। अब मैं इस पे कोई गलत डिजिट डालूंगा तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि मैं यहां पे अगर कोई यहां पे मान लीजिए कि मैं कोई डेट डाल रखा हूं, कोई डेट डाल रखा हूं और डेट में मैं सैटरडे एंड संडे को हाईलाइट करना चाहता हूं, तो टेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करके यहां पे मैं सैटरडे एंड संडे ले आया और यहां आ गया, और फिर मैं यहां पे कंडीशन यहां नीचे कंडीशन लगाता हूं, मैं ऊपर सैटरडे या संडे, तो यहां दो कंडीशन है सैटरडे या संडे, लेकिन दोनों रिक्वायर्ड नहीं है, ऑप्शनल है, क्योंकि दोनों में से कोई एक होगा, सैटरडे और संडे दोनों नहीं हो सकते, खाली सैटरडे होगा नहीं तो संडे होगा। तो यहां पे हम इक्वल और का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे और बोलेंगे कि दैट इज इक्वल टू संडे कॉमा, अगेन इसको सिलेक्ट करेंगे और बोलेंगे इक्वल टू सैटरडे, और फिर हम इस डॉलर साइन को हटा देते हैं एंड ओके, और फिर अपनी जो भी कलर देनी है कलर को ले लेते हैं। लेकिन हमें डॉलर साइन हटाया वो गलत किया है, हमें एक ही आगे का डॉलर हटाना चाहिए, कॉलम तो रो फिक्स है ना, कॉलम तो एक जगह पे बी होगा सी होगा डी होगा ना, और यहां पे हम ओके करते हैं। और फिर फॉर्म एक मिनट, हमने कलर क्यों नहीं हुआ, संडे तो आ गया, और ए थ्री इक्वल टू एस यू एन कॉमा ए थ्री, ए थ्री कॉमा हो गया थ्री, इक्वल करना चाहिए था ना, इक्वल टू सैटरडे, ओके एंड अप्लाई हो गया कलर, और फिर इसको ड्रैग कर देते। तो याद रखिएगा जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हो तो वहां पे एंड या फिर और का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट सर? राहुल जी एंड विदाउट, यस यस सर, डाउट तो नहीं इसमें? यस सर। तो यहां कंडीशनल फॉर्मेटिंग का टॉपिक होता है खत्म। अब अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे प्रोटेक्शन मेथड का।